कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार यार क्या पहनूं, तो मैंने येलो कुर्ता डाल लिया। पूरा सेटअप हमारा तैयार हो चुका है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 3 दिसंबर, आज हमारी सालगिरह है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और अपन लोग हो गए हैं तैयार एकदम मस्त नहा धो के चश्मा पहन के। तो मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी हम जा रहे हैं मंदिर फिलहाल तो, और दीप्ति भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो आज हमारा कुछ 1 साल हो गया है शादी को, तो इस उपलक्ष्य में हम जा रहे हैं मंदिर सबसे पहले। तो आज मुझे उठना पड़ा 6 बजे। तो हाय दीप्ति, तो दीप्ति तो ऑलमोस्ट रेडी है, 1 घंटा से लगाया, 6 बजे से तैयार होते होते ये 7:30 हो चुके हैं इसको। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है मंदिर जाने की, तो चलते हैं फटाफट। और मैं आज कुर्ते में कैसा लग रहा हूँ प्लीज़ ज़रूर बताएं। और हमारी जानवी भी आ रही है हमसे मिलने के लिए। जानवी से हाय, जानी से हाय। पूछ कैसे हो आप। तो चलते हैं फिलहाल, मतलब तो यहाँ से एक लोटा रख लेते हैं और घंटी रख लेते हैं और चलते हैं फिर मंदिर। तो चलते हैं अब सीधा, पहले तो यार इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और धूप तो मस्त हो रही है, ठीक है, करते हैं गाड़ी स्टार्ट और चलते हैं सीधा। गाड़ी की सीटें तो ऐसी हो रही है, कल हल्द्वानी से आए थे तो सीट तो ऐसी। तो अब चलते हैं सीधा मंदिर की ओर, जय श्री राम। तो डी मार्ट भी खुल चुका है वैसे तो, टाइमिंग शायद इसका 10 बजे के आसपास ही। तो और ये है डेली 99 और यहाँ से अपन लेंगे हम यू टर्न। यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं, करीब 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर जाम नहीं लगा तो 15-20 मिनट को पहुँच जाएंगे अपन। वो पास जाम नहीं मिलेगा, संडे का दिन तो जाम शायद ही मिले। तो यार गलती से हम चले गए थे थोड़ा आगे, तो अब 2 किलोमीटर हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो आगे से कट लेते हैं और यहाँ से यू टर्न करके पीछे जाते हैं। थोड़ा अंदाज़ा से नहीं आया मुझे किस मंदिर मतलब कौन से कट था, 2-3 कट एक साथ थे तो मैं थोड़ा मिस हो गया। तो अब चलते हैं यहाँ से यू टर्न लेते हैं और सीधा मंदिर की ओर। यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं वैसे, 2-3 किलोमीटर के आसपास ही है। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए हम कैसे लग रहे हैं आज। तो होप हम अच्छे लग रहे होंगे शायद, मैं कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ क्योंकि आज मैंने नहाया भी है। तो बातें करते करते हम मंदिर पहुँच चुके हैं। तो मंदिर ऊपर आप निकाल लेते हैं और ये है मंदिर, शिव मंदिर, यह शिव मंदिर। और यहाँ भी कुछ हो रहा है शायद यार बच्चों का कुछ प्रोग्राम, बट क्या हो रहा है ये नहीं पता मुझे। तो करते हैं भगवान जी के दर्शन और भगवान जी का आशीर्वाद देते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे, संतं हृदय अरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तो फाइनली मंदिर से होके आ चुके हैं और दर्शन भी अच्छे खासे हो चुके हैं और अब चलते हैं सीधा घर को। तो उससे पहले देखते हैं यार, थोड़ा भूख सी भी लग रही है तो हल्का उनका कुछ खा लेते हैं अगर कुछ मिलता है तो। इसके को तो बहुत भूख लग रही है, ये आगे पीछे देख रही है कहीं खाना दिख रहा है तो। आज और यहाँ पर ना हमेशा भंडारा होता रहता था बट आज ही नहीं है, तो किस्मत ख़राब थी भंडारा है नहीं यहाँ पर। तो देखते हैं कुछ मिलता है रस्ते में कुछ खाते हैं, अदरवाइज सीधा घर में ही खाएंगे। तो चलते हैं फिर अब। तो ये है अपनी धन्नो और चलते हैं यार। यहाँ मुझे लग नहीं रहा कि अभी कुछ खुला होगा, सारी दुकानें बंद ही लग रही है। तो कुछ खाने को पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है, सब बंद है यार अभी टोटल। तो देखते हैं यार कुछ ऐसे छोले खाने का मन कर रहा है, छोले समोसा। तो देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो फिलहाल तो करते हैं गाड़ी स्टार्ट और चलते हैं फिर
घर को अगर नहीं मिलता है तो यार अपने को ना कुछ मिल नहीं रहा खाने का। हर जगह दुकानें बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, तो फिलहाल हम वहीं जा रहे हैं जहां हमने पूछा सबसे पहले, वहां पर छोले चावल बोल रहा हूँ उससे, तो मतलब छोले चावल खाने पड़ेंगे अभी। तो वहां हमें ये छोले और समोसा मिल रहा था बट अलग अलग, तो उससे बोला जाएगा कि यार कि एक। तो यहां से हमने किया एक प्लेट पानी पूरी और दो समोसे और एक प्लेट छोले। छोले और समोसा तो दीप्ति का अकेले खाएगी और पानी पूरी मैं खाऊंगा। पानी पूरी वाले भैया, भैया जी ठीक है। तो यहाँ पर आज मैं फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ, एक बार नहीं यहाँ नहीं खाया था मैंने, शायद बीकानेर में खाया था, दूसरा बीकानेर, ये भी वैसे बीकानेर ही है बट दूसरे बीकानेर में खाया था। तो देखते हैं यार टेस्ट कैसा होता है और बताएंगे फिर आपको कैसा टेस्ट। दीप्ति को मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया, मैंने भी खाया। कैसा दीप्ति? बढ़िया। अभी दीप्ति थोड़ा बिजी है खाने में, जब ये कुछ खाती है ना तो किसी का रिप्लाई नहीं करती। ये आ गया हमारा छोला समोसा। छोले तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, देख लेते हैं अब देखते हैं कैसा होगा खाने में। ये आ गया हमारा सलाद और चटनी, भाई मज़ा आ रहा है देखते एकदम। तो ये हो गया हमारा छोले और समोसा। और दीप्ति को इतनी भूख लगी थी इसने फटाफट टाइम लगाया नहीं खा लिया, तो मेरी बारी है फटाफट खाता हूँ यार। मज़ा आ गया ना खाके, मतलब शब्द नहीं होता इतना टेस्टी था। आज से छोले जो ऊपर से इसने बटर डाला ना इसमें, तो यार लेवल ही ऊपर, अपना ऑल सेट। तू मेरी बस नस नस जी। हम घर तारक मेहता के साथ विद छोटा डॉन। चश्मे पहनो छोटा डॉन, लाइक कर दो, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज, जितना हो सके शेयर कर सके, वीडियो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज, मैंने खोल दिया, बड़े मैंने पूरा नहीं खोला, पूरा खोलने की जिम्मेदारी इसकी है, तो ये खोलिए अपना गिफ्ट। हेलो जी, अपना गिफ्ट खोलिए, तो देखते हैं इसके अंदर शायद सूट है, सारी ऐसा कुछ लगा मुझे, क्या है इसके अंदर। मौसम तो आज ठंडा हो रहा है यार, कोहरा अभी शायद हल्का हल्का लगा है, तो आज अचानक से ना, अभी मॉर्निंग में तो ठीक था, तो अभी ही सडनली हुआ है एक घंटे पहले ही, तो यार अब जैकेट पहननी पड़ेगी और फिर चलते हैं अपन नीचे। आज कोई बच्चे पार्टी भी नहीं खेल रहे ठंड के मारे, नहीं तो यहाँ पर तो इस टाइम तो भीड़ लगी रहती थी। तो चलते हैं अब सीधा अंदर और तैयार होते हैं और चलते हैं मूवी देखने के लिए। और मूवी का प्लान हमारा ऐसा है कि शो तो मैंने बुक कर लिया है 3:30 बजे का, तो फिलहाल अभी बज रहे हैं 2:30 और हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, मैं और दीप्ति। और बाहर हल्की ठंड थी तो मैंने जैकेट डाल ली और कैप भी डाल लिया और साथ में चश्मा लेता हूँ, और फिर चलते हैं हम सीधा मूवी देखने के लिए। तो मूवी आज देखने का प्लान है शिप्रा मॉल में, जो 3:30 बजे का शो है और 6 बजे तक ही होगा शायद, और मूवी देख रहे हैं आज एनिमल, तो देखते हैं कैसी मूवी है। तो कल ही रिलीज़ हुई है, परसों रिलीज़ हुई है 1 तारीख को, तो चलते हैं सीधा मूवी देखने के लिए। तो शो था 3:30 बजे का और अभी बज रहे हैं 3:40
यानी कि हम 10 मिनट लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो चलते हैं यार, फटाफट टिकट तो हमने पहले ले ली थी, तो अब चलते हैं सीधा ऊपर 3rd फ्लोर में और मूवी का मजा लेते हैं। Hello. हमने देख लिया, मूवी तो ऑसम थी, मजा आ गया, पैसा वसूल मूवी थी। तो आज मैंने काफ़ी साल बाद मूवी देखी यार, 2-3 साल हो चुके, तो मूवी मैंने आज देखी और मूवी ठीक थी, अच्छी, बहुत ही मेहनत लगी इसमें यार, मेहनत क्या लगी, हम तो मशीन से ही कर लिया हमने। तो अभी ये सिस्टम बजाते हैं कुछ यार, अभी तो 7 ही बजे, तो केक अभी तक आया नहीं है, तो केक आने वाला है 7:30 तक, तो केक का वेट करते हैं और फिर हम, हमारी मछली भी भूखी है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों बहनें हैं और इतना लड़ती है ना आपस में, क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा, अभी लड़ नहीं हुई पर 24 घंटे में से 20 घंटे लड़ती है आपस में, ठीक है। बाबू हाय बोल दो, नहीं उछल के नहीं बाबू, उछल के नहीं बोलो, हाँ और लाइक भी कर दो, और हाँ और शेयर भी कर दो, गुड शाबाश। और दीप्ति अभी तक रेडी नहीं हो पाई, तो ये आ गया हमारा बटर, अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा बटर, वैसे मैंने थोड़ा बटर डाल दिया है जरा, तो थोड़ा सा और बटर डालते हैं, इसको थोड़ा पकने देते हैं पहले, उसके बाद डालेंगे बटर। और जो बाकी मसाला था इसको मैं कल के लिए छोड़ दिया यार, काफ़ी सारा था, ये कुछ दोस्त मेरे ऐसे थे जो दगाबाज हैं, दगा दे दिया उन्होंने मुझे, तो ये बाकी बनाएंगे कल। तो और बाकी बच्चा बाटी यहाँ पर डांस कर रही है हमारी, ओए ओए बाबू बेटा, तो ये आ गया हमारा केक, राहुल एंड दीप्ति और फोटो हमारी मस्त वाली, छोटा सा बगा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूं, तो मैंने येलो कुर्ता डाल लिया, तो इसमें भी ठीक ही लग रहा हूँ वैसे मैं, और ये कैसे लग रहे हैं हम सब, माता श्री आधा तो हमने खा लिया साइड का, इसका हम फोटो लेना भूल गए थे, शायद वीडियो भी नहीं लिया भाई प्रॉपर इसका। तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा केक, जानवी ने सब कबाड़ा कर दिया मेरे केक का, इसने ऊपर से इसका जो फोटो होती है ना वो सब निकाल दिया, और तो
फिलहाल अभी बज रहे हैं 11:30 और भाई इतना थक चुका हूँ ना मैं, क्या बताऊँ। और खाना तो इतना खा लिया ना, गले तक भर रहा है खाना, बहुत टेस्टी खाना था यार, खासकर दाल मखनी, मज़ा आ गया। तो फिलहाल अभी मैं चलता हूँ सोने के लिए और जल्द मिलूँगा मैं आपसे एक लॉन्ग ट्रिप में, एक लॉन्ग ट्रिप सीरीज में, जो मेरा प्लान या तो बॉम्बे का है या फिर राजस्थान का है, जैसलमेर साइड। तो वैसे मेरा प्लान था कल जाने का, यानी कि 4 दिसंबर को जाने का प्लान था, बट किसी कारण मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो वो प्लान में है क्रिसमस के आसपास, यानी कि 24 या 25 तारीख के आसपास, तो एक लॉन्ग वीकेंड ट्रिप चलेगा। तो चलते हैं फ़िलहाल अभी सोने के लिए, और कल मुझे सुबह जाना है 7 बजे एयरपोर्ट, क्योंकि पापा को छोड़ने के लिए जाना है एयरपोर्ट मुझे। तो यार अभी जल्दी नहीं सोऊंगा तो सुबह फिर बैंड बजनी तय है, तो क्योंकि मैं नींद का थोड़ा कच्चा हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है सुबह, खासकर सुबह। रात को तो मैं पूरा टाइम जग सकता हूँ, बट मॉर्निंग में मेरे बस की कुछ नहीं है सुबह उठना। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं सीधा सोने के लिए, और मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।